जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी SSC GD कॉन्स्टेबल के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें दोस्तों बहुत ही ज़रूरी सूचना दी गई है। अगर आपने नोटिफिकेशन जब फॉर्म फिलअप किया तो सही तरीके से देखा है तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लाइन है वो बताई गई थी। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, इस वीडियो में लाखों विद्यार्थियों के लिए एक बुरी खबर आप इसे मान सकते हो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बाहर होने वाले हैं। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी दोस्तों बाहर होने वाले हैं, चाहे उनके फिजिकल में, रिटर्न में चाहे 80 या 90 या 95 नंबर क्यों ना हो, और वो फिजिकल भी अगर आराम से क्वालिफाई कर लेते हैं, फिजिकल मेडिकल, फिर भी दोस्तों उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। अगर आपने भी ये गलती की है तो दोस्तों आपको भी बाहर होना पड़ेगा। दोस्तों मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में ऑफिशियली देने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारी YouTube चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों हम SSC GD के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करवाते रहते हैं। साथ में दोस्तों ये जरूरी जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सारी जानकारी ऑफिशियली। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हो, जब SSC का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका आया था तो उसमें ये सारी न्यूज़ दोस्तों दी गई है। मैं आपको एक लाइन पढ़ के दिखाने वाला हूं, अगर आपने नोटिस सही ढंग से पढ़ा है तो दोस्तों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हों को ये इस लाइन का पता ही नहीं है कि इसमें क्या लिखा गया, क्योंकि दोस्तों SSC GD ने सबसे पहले आपको जो स्टेट वाइज वैकेंसी है वो नहीं बताई अब की बार, क्योंकि दोस्तों 2015 में जब पहली बार स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी आई थी तो उस टाइम इसमें बहुत बड़ी धांधली हो चुकी थी, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसी थी और हर स्टेट की जो कट ऑफ है वो भी अलग अलग इसमें जानी थी। तो इसी कारण बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने, जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैंड, साउथ स्टेट है जितने भी, बेंगलोर, कर्नाटका और इधर तमिलनाडु, चेन्नई, तो दोस्तों इधर फॉर्म फिलअप कर दिया था और अपना परमानेंट एड्रेस और डोमिसाइल का जो एड्रेस होता है वो भी वहीं का लगा के, वहीं की भर्ती देख के और वहाँ का डोमिसाइल बढ़वा के दोस्तों वहां से भर्ती हो चुके। तो इसीलिए दोस्तों SSC GD ने जो 2018 का आपका रिक्रूटमेंट हुआ उसमें ये सारी चीजें आपको नहीं बताई और अब आपको लास्ट टाइम ये चीजें सारी बताई। अगर दोस्तों आपने भी कहीं दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलअप किया है और आपने वहां का आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर आपने दोस्तों वहां का एग्जाम सेंटर लिया है तो कोई आपकी दिक्कत नहीं है, जैसा कि दोस्तों आप यहां नोट 3 में देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं पूरा। आप यहां तो दोस्तों एज द वैकेंसी हैव बीन एलोटेड टू द कंकरेंट स्टेट UTS, मतलब SSC ने पहले ही बता दिया कि आपकी जो वैकेंसी वो अलॉट कर रही है SSC केवल स्टेट्स और UTS यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल, मतलब अनिवार्य है सबमिट करना अपना डोमिसाइल, मूल निवास, परमानेंट रेजिडेंस जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों इसे डोमिसाइल बोलते हैं, वो स्टेट अपने स्टेट का इंडिकेट कराना है बाय देम द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द DME डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, वही आपको देना होगा, उसमें बाद में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसा कि आप नीचे देख रहे हो SSC ने पहले ही बता दिया कि अगर आप अपना एड्रेस दूसरी जगह का, आप डोमिसाइल का एड्रेस दे रहे हो, दूसरे स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो उसके बाद में आपको चेंज का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, डायरेक्टली आपको बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपने भी कहीं बाहर दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलअप किया है तो आपके लिए बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी है इस बार जो उन्होंने अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप किया उनको डायरेक्टली दोस्तों बाहर किया जाएगा। जैसा कि आप यहां देखते हो, वेरिफिकेशन फेलिंग विच हैज हर कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड फोर्थ विथ एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें होने वाला है, तो वहां पर आपके पास में प्रोड्यूस डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, वो आपके पास में नहीं है अदर देन द स्टेट मेंशन। अगर आपके अदर स्टेट का है तो दोस्तों आपको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा, नॉट बी अलाउड, आपको अलॉटेड नहीं किया जाएगा स्टेट टाइम द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हिज कैंडिडेट सी कैंसल्ड स्टेट
रिलेटिव आप चाहे कितने भी नंबर हो, कितने भी स्टेज पार करके आए हो, आपको डायरेक्टली दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस बारे में नहीं पता और उन्होंने अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर दिया है और उनके लिए अब कोई मौका नहीं है, मतलब कोई चांसेज नहीं देने वाली है एसएससी कि अब आपको चेंज का कोई ऑप्शन देगी एसएससी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपने कहीं बाहर से एग्जाम सेंटर लिया है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आपने अदर स्टेट का डोमिसाइल बनवाया है तो दोस्तों उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको आपके पास में अदर स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो भी दोस्तों आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि एसएससी अगर आपने कभी एसएससी का पहले फॉर्म फिलअप किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने किया है, तो दोस्तों एसएससी के पास में सारी डिटेल्स होती है। जैसे ही वो आपकी डिटेल डालेगी तो वो उसको पहले ही बता देगा कि ऐसी जो डिटेल है वो इस बंदे की आई हुई है और इस स्टेट से पहले भी ये आ चुका है। तो दोस्तों आप अगर इसी प्रकार आपने फॉर्म फिलअप किया है तो दोस्तों बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि बहुत सारे इस बार बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप किया है तो उनको डायरेक्टली दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा। तो ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों नहीं पता फॉर्म फिलअप किया तो पूरा नोटिफिकेशन है वो ध्यान से नहीं पढ़ाता। तो दोस्तों ये मैं आपको जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो पहले ही बता देता हूं, लाखों विद्यार्थी दोस्तों इसके कारण बाहर होने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। दोस्तों मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले, ताकि दोस्तों आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अपडेट करवाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।